फर्स्ट ऑफ ऑल आई सैल्यूट ऑल द स्टूडेंट्स जो आप सभी ने कोविड क्राइसिस के टाइम्स में JEE मेंस एग्जाम दिया, एग्जामिनेशन सेंटर गए और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए। मैंने हर दिन के पेपर एनालिसिस की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी, तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से वीडियो बनाइए, सर मेरे 135 मार्क्स है तो मेरा रैंक क्या होगा, मेरा परसेंटाइल क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और जो भी आपके डाउट्स हैं कट ऑफ से लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि JEE मेंस का एग्जाम अब फाइनल फेज पे आ गया है। अब जल्द ही NTA JEE मेंस की ऑफिशियल आंसर की एग्जामिनेशन रिजल्ट और रैंक भी डिक्लेयर करने वाला है। उसी के बेसिस पे कैंडिडेट JEE एडवांस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पिछले साल से JEE मेंस में परसेंटेज का सिस्टम लागू हो गया था, क्योंकि एग्जाम्स मल्टीपल स्लॉट्स में कंडक्ट किए जाते हैं। परसेंटाइल रैंक आपकी स्टैंडर्डाइज एंड नॉर्मल स्कोर विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है और एडमिशन कट ऑफ क्या होता है, तो हम सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ का सिग्निफिकेंस होता है कि जो भी कैंडिडेट JEE मेंस के मिनिमम स्कोर से ज़्यादा मार्क्स लाएगा तो वो JEE एडवांस के लिए अपीयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल JEE मेंस का पासिंग परसेंटाइल 90 है और किसी कैंडिडेट्स ने 93 परसेंटाइल स्कोर किया है, तो वो कैंडिडेट JEE एडवांस के एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकता है। वही एडमिशन कट ऑफ का सिग्निफिकेंस ये होता है कि कैंडिडेट्स को किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए उस इंस्टीट्यूट के मिनिमम एडमिशन परसेंटाइल से ज़्यादा स्कोर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी NIT का मिनिमम एडमिशन परसेंटाइल 96 है और किसी कैंडिडेट ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है, तो वो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। क्वालिफाइंग कट ऑफ NTA डिसाइड करता है, वही एडमिशन कट ऑफ JOSA डिसाइड करता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स JEE मेंस के कट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए काम आते हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयरिंग फॉर JEE मेंस। नंबर 2, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम्स। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। नंबर 5, द कैटेगरी अंडर विच एडमिशन इज सॉट। तो अब हम बात करते हैं कि इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगे। तो हम सबसे पहले कुछ प्रीवियस 4 साल के कट ऑफ्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2016 में पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी था, तो कट ऑफ 100 मार्क्स गया था। वही 2017 में पेपर का लेवल मॉडरेट था तो कट ऑफ 81 मार्क्स गया था, और 2018 में पेपर का लेवल हार्ड था तो कट ऑफ 74 मार्क्स पर ही रुक गया था, और 2019 में पेपर का लेवल समवॉट मॉडरेट था तो परसेंटाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग 89.754 परसेंटाइल कट ऑफ गया था। तो इस साल भी एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहा है, तो इस साल भी यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कट ऑफ अराउंड 89.8 परसेंटाइल के आसपास ही रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर अपने मार्क्स अराउंड 80-85 एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो JEE मेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकता है। मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं, ये अलग अलग फैक्टर्स पर फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस पे देखना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।